ये वाला साग पहाड़ों में बहुत ज्यादा फेमस है और बहुत ज्यादा टेस्टी भी होता है भाई। अगर इसको ना मट्ठे के साथ खाया जाए तो इसका टेस्ट नेक्स्ट लेवल हो जाता है। और बहुत दिन बाद देखे जी अंशु चाचा ही मिले हैं। खाने की तैयारी रूबी की स्टार्ट हो गई है। खाने में देखो भाई आज बन रही है यहाँ पर आलू बीन्स की सब्जी। देखिए भाई दोपहर के टाइम पे यहाँ पर दीपा भाई आए हुए हैं, फिर से लाइट की दिक्कत भी है और बच्चा पार्टी आज घर आ रही है, रिश्तो आ रही है तो उनको लेने जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा आ गए, वो रोड में भी आ गए। ठीक है चलो मिलते हैं। चलो बाकी आज की वीडियो की शुरुआत दोपहर से हो रही है, जैसे दीपा भाई यहाँ पहुंचे हैं अभी अभी, मेरी वीडियो की एडिटिंग कंप्लीट हुई है। कल रात से यहाँ लाइट भी नहीं थी तो पावर बैंक वगैरह सब डिस हो गए थे भाई। तो वीडियो की शुरुआत भी कर लेते हैं। हेलो जी नमस्ते, स्वागत प्रणाम आपका एक और नई वीडियो में देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। देखिये भाई रूबी ने खाना भी बना दिया है और रूबी के हाथ में देखो यहाँ पे म्याऊ हमारी किट्टू और ये हमारा मोंटी सिंह। हाँ देखो भाई दोपहर की शुरुआत बूंदाबांदी से स्टार्ट हो गई है और साथ में देखो भाई धूप की चमक लगी हुई है। पहाड़ों में ऐसे मौसम को बोला जाता है भाई कि सियार की शादी हो रही है, कि धूप की चमक जैसे इस हरे भरे अनाज पे पड़ रही है इसके रंग ना कुछ अलग ही दिखाई दे रहे हैं भाई। टाइम भी अभी 1 बज गई है, दोपहर का खाना खाने का भी टाइम हो गया है तो खाना खुना खा देते हैं। और आज घर में माँ भी नहीं है और माँ गई है भाई अपने मायके जो कि जाल चौमासी पड़ता है, मेरा ननिहाल जाल चौमासी है तो वहाँ माँ गई है। आवाज़ देखते हैं आज आएगी घर, शायद आज वही रहेगी कल घर आएगी, अब अभी कहीं जा रखे हैं। चलिए जी अंदर पर चलते हैं भाई। बाकी देखो खाना बनके रेडी हो गया है तो मस्त से खाना खाते हैं और रूबी लगी हुई है यहाँ पर पापड़ पकाने पे। ये देखिए देखिए जी कल की वीडियो में एक कमेंट आया था, कल हमने साग बनाया था आलू और बैंगन का साग और उन्होंने किसी ने कहा था कि वो साग नहीं सब्जी होती है, तो आपने बिल्कुल सही कहा सब्जी होती है। लेकिन पहाड़ों में पता क्या होता है, मतलब कि जो ये घर की जो साग सब्जियां होती है ना, मतलब उसी का साग बनता है, उसको थोड़ा सा तरी वाला बनाते हैं, थोड़ा थोड़ा मतलब उसमें थोड़ा बहुत पानी डालते हैं, एक तो सूखी होती है एक तरी होती है और वो चावल के साथ खाने में ना बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है भाई। तो हमारे पहाड़ों में ज़्यादातर बनता है, लगभग हर किसी के घर में ऐसा साग बनता है मिक्स वेज टाइप का, जिसमें मतलब हम लोग बीन्स मिलाते हैं, जिसमें हम लोग आलू मिलाते हैं, बैंगन मिलाते हैं, तुरई हो गया, चचंडे हो गया, ये सब मिलाते हैं, उसका साग भी बनता है, चावल के साथ भी खाते हैं। तो किसी का कमेंट आया था तो मैंने सोचा बता दूं मैं ये सब चीज़। बाकी यहाँ पर देखो भाई रूबी ने भी खाना रख दिया है और साथ ही साथ यहाँ पर देखो पापड़ भी पका दिया है भाई, तो मस्त से हम लोग खाना खाते हैं। क्योंकि जैसे आप ना तो आज भी देखो जैसे यहाँ पर ना साग बना हुआ है घर के कद्दू का साग, ये देखो आप लोग ये देखिए भाई। और ये वाला साग पहाड़ों में बहुत ज़्यादा फेमस है और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी होता है और ये साग भी सेम वैसा ही है भाई जैसे मतलब कल था सब्जी का साग, तो ये भी है और चावल के साथ ना बहुत टेस्टी होता है। वो इसलिए क्योंकि हम लोग बचपन से ये ऐसी चीज़ें खा रहे हैं और ज़्यादातर मतलब ऐसा है दाल भी खाते हैं, मतलब दाल का भी होता है, बट ये है कि सब्जियों का साग भी ना बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। और कद्दू के साग की खासियत होती है भाई अगर इसको ना मट्ठे के साथ खाया जाए तो इसका टेस्ट नेक्स्ट लेवल हो जाता है कि अब आपको पता लग ही गया होगा। तो इस मस्त से टेस्टी से लंच के मजे लेते हैं। यहाँ देखो पापड़ के साथ साथ यहाँ पर हरी मिर्च भी है। तो चलिए जी मस्त से अभी दोपहर का खाना भी हम लोगों का कंप्लीट हो गया है। बाकी देखो भाई धूप की चमक भी ना अभी बहुत तेज हो गई है और साथ ही साथ बारीक बारीक वाली बूंदाबांदी भी लगती जा रही है। अब देखिए भाई ऊपर साइड से तो मौसम पूरा पैक्ड है लेकिन नीचे से देखो थोड़ा थोड़ा नीला जो आसमान है वो दिखने लगा है। शाम के टाइम पे मौसम एकदम क्लियर चाहिए क्योंकि शाम के टाइम पे हम लोग लगभग वॉलीबॉल खेलने जाते हैं ना, तो फिर सही रहता है, मतलब बरसात में वॉलीबॉल खेलने में मजा नहीं आती है, अगर मौसम सही है तो फिर सही रहता है, मतलब मजा आती है खेलने में। और ठीक नीचे यहाँ पर देखो भाई दादी औरा का ये आड़ू का पेड़ है और इसमें देखो ढेर सारे आड़ू लगे हुए हैं और वो भी देखो पक कर के देखो एकदम लाल हो गई है भाई। और वैसे ही सामने पर यहाँ पर ताई औरों का जो आड़ू का पेड़ है वो है और इस पर भी ना जो आड़ू हैं वो पकना शुरू हो गए हैं। पहाड़ों में घर के नमक के साथ आड़ू बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं, तो एक दिन कोशिश करूंगा मैं वैसी वीडियो बनाने की, आड़ू लाएंगे मस्त से घर का नमक पीसेंगे और उसको खाएंगे, तो देखते हैं कब तक ये चीज़ें हो पाती है। अभी फिलहाल रूबी भी लगभग 8-10 दिन घर ही में है तो बनाएंगे वह वैसी वीडियो भी। चलिए जी शाम के अभी 5 बज चुके हैं और रेगुलर की तरह फिर से चलते हैं भाई रांची की तरफ वॉलीबॉल खेलने के लिए। घर के नीचे साइड देखो भाई यहाँ पर ना जो धान है वो देखो पूरा नीचे ढल रखा है, ऐसा लग रहा है जैसे ना कोई वहाँ पर गया होगा और उसने पूरा नीचे इसको नीचे बिछाया होगा। वो देखिए आप ये होता है भाई हवा से,
जैसे कभी कभी ना बहुत तेज वाली हवा चलती है, हवा से ना जैसे धान के ऊपर देखो बालियां रेंगी, तो जैसे हवा इस साइड से आई तो पूरी देखो यहाँ नीचे बीच गया। अब वो थोड़ा एक टाइम पे ऐसा हुआ होगा तो धीरे धीरे करके पूरा ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे बीच गया है। बाकी यहाँ पर ना लगभग जो धान है ना मतलब पकने वाला है। और यहाँ घर के नीचे साइड देखो भाई, यहाँ पर ये गेंदे के फूल बहुत अच्छे ढंग से खिल रखे है। और इसी के नीचे देखो यहाँ पर जो ये बैंगन है ना, ये भी देखो ये भी होने लगे हैं। यहाँ देखो बहुत सारे बैंगन लगे हैं इस जगह पे। सब्जियों की अच्छी बात यह है कि घर अगल बगल ना काफी हो जाती हैं। इस जगह पे देखिए भाई, यहाँ पर ना माने जो ककड़ी की बेल लगाई थी वो देखो भाई यहाँ से ना ठीक ऊपर छत में चली गई है। अब आजकल मैं घर के ना इस साइड नहीं गया हूँ तो यहाँ पर देखिये भाई, यहाँ पर ना चाची और का ये आड़ू का पेड़ है जिसपे की देखो आप लोग बड़े बड़े आड़ू लगे हुए हैं भाई। ये देखिए काफ़ी बड़े बड़े आड़ू लगे हैं। और साथ में यहाँ पर ना मिर्च का खेत है जिनमें कि ढेर सारी मिर्चें लगी हुई हैं। ये देखो हरी हरी मिर्चें भाई। अब ये पूरी यहाँ देखो यहाँ पर पूरा मिर्च का खेत है। और साथ ही में ना यहाँ पर देखो आप लोग एक ना रेड मिर्च भी लगी है। धीरे धीरे जो मिर्चें हैं वो पकना शुरू हो गई हैं। और इसी जगह पर एक ही यहाँ पर सेब का पेड़ है। ये देखो आप, सेब का पेड़ है लेकिन यहाँ ना सेब के पेड़ नहीं होते हैं। साथ ही में एक और चीज़ है यहाँ पर, ये देखिए भाई ये गेंठी, इसको हमारी लैंग्वेज में गेंठी बोलते हैं। और शायद ये तेड़ू का पेड़ है, यहाँ पे तेड़ू पे लगते हैं गेंठी शायद। पहाड़ों में तेड़ू बहुत ही फेमस सब्जी है जो शिवरात्रि पे ना ज़्यादातर जंगल से निकाली जाती है। और ये देखिए यहाँ पे ये अरबी के पत्ते, बहुत सॉफ्ट पत्ते होते हैं भाई। और इन पत्तों की खासियत ये होती है कि अगर इसमें पानी लगे तो ये भीगता नहीं है, पानी एकदम से फिसल जाता है इसमें, तो इसकी ये खासियत होती है। ये देखो आप, जैसे यहाँ पर देखो आप, ये देखो इस पत्ते की खासियत होती है, इस पत्ते में पानी सिर्फ फिसलता है, अटकता नहीं है इसे। ये देखो, ये देखो, ये रहा भाई अपना जंगल। ये देखो आप पर, ये देखो आप लोग। बाकी आजकल जो चारा वाला ये जंगल है जहाँ पर गाय चरने जाती है, ये फिलहाल 3 महीने के लिए बंद रहता है। हमारी पटाखे वाली दिवाली आती है और गायों की ये घास वाली दिवाली, मतलब दिवाली के टाइम पे जो ये चार है ये खुल जाती है गाय के लिए। उस टाइम पे ना जो घास है वो काफी बड़ी बड़ी भी रहती है, हरी भरी घास, तो सही रहता है। मतलब 2-3 महीने के लिए चार बंद रहती है करी हुई। बाकी सामने देखो आप लोग, आजकल हरा भरा माहौल बहुत ही गजब का आता है। ये देखिए झरने से ना आगे आगे बढ़ते हुए ठीक ऊपर में ये वाला जो मोहल्ला आता है, ये हमारा पुराना मोहल्ला बौसार मोहल्ला। तो कुछ घर इस साइड है इस वाले एरिया में और कुछ घर हैं इस वाले एरिया में। और मेरे बचपन की स्कूल है यहाँ पर, ये देखो आप, ये देखिए जी इस जगह पर जहाँ पर कि मैंने अपनी 5th की पढ़ाई कंप्लीट करी है। और साथ ही में बारीक बारीक वाली बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई है और मार्केट जाना है मुझे रांसी, तो इसलिए छाता भी ले जा रहा हूँ मैं। जिस टाइम पे हम घर आते हैं ना उस टाइम का कोई भरोसा नहीं, बारिश होगी तो वीक करके आना पड़ेगा। यहाँ रास्ते के नीचे साइड देखिए भाई, यहाँ पर ना जो कद्दू है उसकी बेल है, और उसकी बेल देखो भाई एक जगह पर लगाई होगी ना तो कितनी ज़्यादा फैल रखी है, वहाँ से है और यहाँ तक देखो आप, जो सामने वो बेल भी जा रखी है ना वो भी कद्दू की बेल है वहाँ पे। ये देखिए तो लगभग भाई यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा फैली हुई है भाई ये, और इसके बीच में बहुत सारे कद्दू लगे होंगे। अभी तक लोगों ने ना यहाँ पर के कद्दू खा भी दिए होंगे भाई, क्योंकि बहुत बड़ी बेल है ये। तो चलिए जी देखो, अभी गाँव में भी आ गया हूँ और आजकल यहाँ ना कुछ जो यात्रियों की गाड़ी है वो भी दिखाई दे रही है भाई, मतलब कि जो मधमेश्वर की यात्रा है उस पर भी लोग जा रहे हैं। बहुत दिन बाद देखे जी, अंशु चाचा ही मिले हैं, लगभग 7-8 महीने बाद आ रहे हैं वीडियो में। 7-8 महीने बाद क्या कर रहे थे इतने दिन? पेपर था एक ना। हाँ चाचा जी का पेपर था, बाकी वो पेपर मतलब दिया है कैसा ठीक हो गया पेपर दिया, उसके बाद अब जा करके घर आ रहे हैं। फील्ड में चल लो। हाँ चलिए जी, अभी गांव के ठीक ऊपर में आ गए हैं, बाकी अब चलते हैं भाई अपने वॉलीबॉल ग्राउंड में, अपने फील्ड में। आजकल फील्ड में ना बहुत ज़्यादा पानी आता है, जगह जगह से देखो पानी आ रहा है भाई। ये देखिए यहाँ पे रात भाई बहुत तेज वाली बारिश लगी है, उसे देखो यहाँ ग्राउंड में ना जो पानी है वो आ गया है। अब वॉलीबॉल की तो कोई दिक्कत नहीं होती है, आराम से खेल ही सकते हैं। देखो भाई इधर साइड भी यहाँ पे कूल बना रखी है, बाकी पानी देखो आप फिर भी बहुत ज़्यादा आ रहा है भाई। पर ना ऐसी दिक्कतें बहुत ज़्यादा होती हैं बरसात के टाइम पे, तो अगर ग्राउंड के बीच में पानी आ गया फिर खेलने में थोड़ा सा बेकार लगता है। और वैसे देखो ग्राउंड के इस साइड यहाँ पर भी कुछ टाइम पहले ना लैंडस्लाइड वगैरह हुई है, जिससे यहाँ पर देखो पूरा ये नीचे जा रखा है भाई। ये देखिए
बाकी यहाँ से अपना ग्राउंड कुछ ऐसा दिखाई देता है, बहुत गजब सा। और ठीक ऊपर में अपना इंटर कॉलेज है, वहाँ पर देखिए ये वाले इंटर कॉलेज की बिल्डिंग है। देखो आप इतना ज़्यादा पानी है इस जगह पर। रात की देखिए जी अभी 8 बज चुके हैं। बाकी रूबी देखो भाई यहाँ पर खाना बनाने की तैयारी रूबी की स्टार्ट हो गई है। अपना मोंटी देखो मस्त से लेटा हुआ है। और खाने में देखो भाई आज बन रही है यहाँ पर आलू बीन्स की सब्जी। ये देखो आलू और छेमी की सब्जी। आजकल अच्छी बात पहाड़ों की ये है कि जो साग सब्जी है ना वो घर के नजदीकी हो जाती है। मानसून के टाइम पे तो दुकान से ना बहुत कम लाते हैं भाई हम लोग, लगभग सब चीजें घर ही में हो जाती हैं। तो चलिए जी अपनी सब्जी बनके रेडी हो गई है। बाकी रूबी लगी हुई है यहाँ पर रोटी बनाने पे। आज हम घर में ना 3 ही लोग हैं, मैं, पापा और रूबी। और माँ तो अपने मायके गई है, तो माँ तो अब कल या परसों आएगी। कि यहाँ पर रूबी लगी हुई है रोटी बनाने पे। अब रोटी बनती है उसके बाद अपना डिनर करते हैं मस्त से। तो चलिए जी रात का टाइम भी हो गया है। बाकी सामने देखो आप लोग जो कनस्तर है वो बजाया जा रहा है भाई, सामने पे चाची ताई लोग बजा रहे हैं। आजकल ना अब देखो कुछ टाइम बाद जो धान है वो पक जाता है, उसकी मनाई होती है, तो उससे पहले कहीं सुअर ख़राब ना कर दें सब कुछ, तो इसलिए जाना पड़ता है भाई रात को हमेशा आगे पंचायती भवन साइड। और ये देखे जी ऐसे चिल्लाना पड़ता है भाई ताकि जो सुअर है वो भाग जाए, नहीं तो पूरा जो धान अनाज जितना भी रहता है ना अनाज का वो सब खराब कर देता है भाई। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी हैं